नमस्कार, मैं आपका ज्योतिषी मोहन जी नक्षत्रवाणी चैनल से माँ तारा को प्रणाम करते हुए अपने गुरु का आशीर्वाद लेते हुए आप सबों को बहुत बहुत नमन। राशिफल की श्रृंखला में आज 9 जुलाई 2021 शुक्रवार का दिन, आषाढ़ मास, कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथि, पूरी रात्रि तक आद्रा नक्षत्र 11:14 रात्रि तक, उपरांत पुनर्वसु नक्षत्र बृहस्पति के नक्षत्र आ जाएंगे। चंद्रमा मिथुन राशि में पूरे दिन रहेंगे। राहु काल 10:42 AM से लेके 12:26 PM तक, यानी 12:26 PM तक रहेंगे। राहु काल में कोई भी शुभकामना करें, थोड़ा संयम रखें। तो आइए आज का राशिफल शुरू करते हैं। मेष राशि, चंद्रमा तृतीय स्थान में बैठे हुए हैं आपके, आद्रा नक्षत्र में जो पूरी दिन रहेंगे। आद्रा नक्षत्र के स्वामी राहु आपके धन भाव में बैठे हुए हैं, तो कुल मिलाकर आपके लिए धन के लिए, पराक्रम के लिए, भाग्य के लिए, आय के लिए, संतान पक्ष के अच्छे समाचार के लिए अच्छा समय है। जमीन जायदाद से आपको फायदा होने की संभावना बहुत ही प्रबल है। कर्म क्षेत्र जहां शनि बैठे हुए हैं और शनि आपकी कुंडली में चंद्रमा के ही नक्षत्र में है, तो यात्रा से आपका लाभ होगा, कर्म बनेगा, पराक्रम से कर्म बनेगा, संचार माध्यम से काम करने वाले का कर्म बनेगा। कुल मिलाकर दिन आपका बहुत ही शानदार है। आज के दिन आप शनि के मंत्रों का जाप करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें, काफी लाभ होगा, दिन आपका शुभ हो। वृषभ राशि, चंद्रमा आपके दूसरे स्थान में बैठे हुए हैं, दूसरे भाव में बैठे हुए हैं सूर्य के साथ, मन थोड़ा सा बेचैन रहेगा आपका, परंतु दूर दराज के काम से आपको लाभ होने की संभावनाएं हैं। चंद्रमा राहु के नक्षत्र में है, बुद्धि बहुत तेजी से काम करेगा आपका, लेकिन थोड़ा सा बेचैनी रहेगी आपको अपने व्यापार को लेकर। लेकिन ये बेचैनी आपकी जैसे ही आप काम में जुट जाएंगे, लग जाएंगे और पॉजिटिव सोच को अपना लेंगे, ये सारी बेचैनी दूर होगी, धन की प्राप्ति होगी। पिता का स्वास्थ्य थोड़ा खराब लगता है, पिता के स्वास्थ्य पर ध्यान दें। बृहस्पति आपके व्यापार को बढ़ा रहा है, शनि मंगल एक दूसरे के आमने सामने हैं, पराक्रम भाव को शनि देख रहे हैं, मंगल खुद पराक्रम भाव में बैठे हुए हैं शुक्र के साथ, तो पराक्रम आपका बढ़ा हुआ रहेगा। दिन करीब करीब ठीक है, परंतु अधिक मेहनत करने की जरूरत है और बुद्धि को अप्लाई करने की जरूरत है। दिन आपका शुभ हो। राहु के मंत्रों का जाप कर सकते हैं तो कर लीजिए। ओम भ्राम ब्रीम भ्रौम सह रावे नमः, ओम भ्राम ब्रीम भ्रौम सह रावे नमः, दिन आपका शुभ हो। मिथुन राशि, सूर्य चंद्रमा दोनों आपके लग्न में बैठे हुए हैं, चंद्रमा राहु के ही नक्षत्र में है, राहु बारहवें में बैठे हुए हैं, तो थोड़ा संभल के खर्च की अधिकता आपको रहेगी, थोड़ा मन भी परेशान रहेगा, आंख में भी कुछ तकलीफ हो सकती है। संचार माध्यम से काम करने वाले को लाभ होगा। भूमि जमीन के काम में कोई भी आज दस्तावेज पे साइन करने से अपने आप में संयम रखें, इनकार करें। दिन आपका पराक्रम के हिसाब से अच्छा है, स्वाभिमान बढ़ा हुआ रहेगा, काफी बुद्धि से काम लेंगे आप। शत्रु पक्ष भी थोड़ा प्रबल रहेंगे, परंतु आपकी बुद्धि और आपका विवेक और आपका पराक्रम शत्रु पक्ष को आपके खिलाफ कोई भी साजिश रचने नहीं देगा। आज का दिन मध्यम है, थोड़ा ध्यान रखेंगे वाहन चलाने में। आज के दिन आप शनि के मंत्रों का जाप करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। ओम प्राम प्रीम प्रौम सह सनचराय नमः, हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें, काफी लाभ होगा, दिन आपका शुभ हो। कर्क राशि वाले, चंद्रमा आपके बारहवें में बैठे हुए हैं, मिथुन राशि में
तो बुद्धि तो काफी प्रबल रहेगा और बुद्धि के बल पर आप काफी कार्य कर सकते हैं। बैंक से आज लोन मिलने की संभावनाएं प्रबल रहेंगी। जो व्यक्ति बैंक में अप्लाई किए हुए हैं कर्ज के लिए, उनको आज कर्ज मिलने की संभावना बहुत ज्यादा प्रबल रहेगी। क्रोध पे काबू पाए। 11:14 के बाद जब चंद्रमा पुनर्वसु नक्षत्र में आएंगे तो थोड़ा स्वास्थ्य पर ध्यान रखें। रात में कुछ स्वास्थ्य खराब होने की परेशानी हो सकती है आपको। लाभ होता रहेगा दाम्पत्य जीवन में। एक दूसरे से मिलकर चलने की हिदायत दी जाती है। दाम्पत्य जीवन को सहज बनाएं। क्रोध से दाम्पत्य जीवन बिगड़ेगा ही, तो दाम्पत्य जीवन की परेशानी को दूर करना है तो एक दूसरे से तालमेल बनाकर चले। दिन आपका शुभ हो। मंगल के मंत्रों का जाप करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, शिवलिंग पर दूध चढ़ावें। दिन आपका शुभ हो। सिंह राशि, दिन बहुत ही शानदार है। चंद्रमा बैठे हुए हैं आपके आय भाव में, आय तो होगा ही, मान सम्मान भी मिलेगा, लेकिन थोड़ा मन परेशान रहेगा और आपको ये समझ में नहीं आएगा कि मन आपका क्यों परेशान है, क्यों विचलित है। चूंकि करीब करीब अमावस्या के चंद्रमा है, अमावस्या के ही चंद्रमा है, चंद्रमा मन के कारक है, तो थोड़ा मन परेशान रह सकता है आपका, लेकिन आय बहुत प्रबल रहेगा। संतान भाव से अच्छे समाचार सुनने को मिल सकते हैं, लेकिन संतान के प्रति आपकी चिंता आज बढ़ी हुई रहेगी। दिन शुक्रवार है इसीलिए चिंता न करें। शुक्र आपकी कुंडली में 12वें में बैठे हुए हैं, मंगल के साथ बैठे हुए हैं, तो घर के सुख सुविधा के सामान आप खरीद सकते हैं। आँख में आपके एक प्रॉब्लम हो सकता है तो किसी फिजिशियन से मिले, आँख के डॉक्टर से मिले, वो आपके आँख के प्रॉब्लम को थोड़ा दूर कर सकते हैं। इसमें कोई किसी भी तरह का लापरवाही बरतना आपके लिए उचित नहीं होगा। शत्रु पक्ष तो प्रबल रहेंगे, लेकिन आपके खिलाफ जीतना उनके लिए मुश्किल है। दाम्पत्य जीवन के स्वामी शनि दाम्पत्य जीवन से छठे में बैठे हुए थे, दाम्पत्य जीवन से सहयोग मिलने की संभावनाएं नहीं है। पार्टनरशिप से सहयोग मिलने की संभावनाएं नहीं है। पार्टनरशिप से आपका अलगाव ही हो सकता है। जो व्यक्ति पार्टनरशिप में काम करते हैं तो उनको पार्टनरशिप से लाभ नहीं होगा, घटा ही होने की संभावना है। स्वाभिमान बढ़ा हुआ रहेगा, अभिमान आपका भी बढ़ा हुआ रहेगा। साथ में सरकारी नौकरी करने वाले को काफ़ी सहायता मिलेगी, सरकार की ओर से प्रमोशन मिल सकता है और सरकार से प्रशंसा पत्र भी उनको मिल सकता है। आज के दिन आप मंगल के मंत्रों का जाप करना न भूले। ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भोमाय नमः, हनुमान चालीसा का पाठ करें। दिन तो शुक्रवार है, लेकिन आप सुंदरकांड का ही पाठ करें, हिम्मत बढ़ेगा, जो मानसिक तनाव है वो दूर हो जाएगा। दिन आपका शुभ हो। कन्या राशि, दिन बहुत ही शानदार है। चंद्रमा आपके चतुर्थ स्थान, चंद्रमा आपके दशम स्थान में बैठे हुए हैं। ट्रांसफर पोस्टिंग बहुत अच्छे जगह में हो सकता है आपका, लेकिन आज भ्रमण भी करना पड़ सकता है। सरकारी नौकरी में आपको टूर भी करना पड़ सकता है। बुद्धि तो बहुत ही प्रबल है आपका, और बहुत ही प्रबल बुद्धि के मालिक भी हैं आप। आज बुद्धि से हर तरह का काम सफल होंगे। उच्च अधिकारी आपके काम की काफ़ी प्रशंसा करेंगे। आपके लिए दिन बहुत ही अच्छा है। आपके माता के लिए दिन बहुत अच्छा है, आपके पिता के लिए दिन बहुत अच्छा है, आपके लिए दिन बहुत अच्छा है। आय के साधन प्रबल रहेंगे। दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा खटपट हो सकता है, संयम रखें, तालमेल बना के चलें, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। संतान को थोड़ा छूट लगने की संभावना प्रबल है, तो ध्यान रखें। आज के दिन आप बुध के मंत्रों का जाप करें। ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह बुद्धाय नमः, और बृहस्पति के मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः, काफी लाभ होगा। दिन आपका शुभ हो। तुला राशि, तुला राशि चंद्रमा भाग भाव में बैठकर आपके भाग को काफी प्रबल कर रहे हैं। पराक्रम भी आपका काफी बढ़ा हुआ है। चंद्रमा आद्रा नक्षत्र राहु के नक्षत्र में, राहु अष्टम में बैठे हुए हैं, तो बहुत सारे वैसे काम जो आपके डूब चुके थे, जिसको आप करना नहीं चाहते थे, वो काम भी निकल के सामने आएगा और आप कर लेंगे, क्योंकि पराक्रम आपका बहुत ही प्रबल है, भाग बहुत ही प्रबल है, बुद्धि बहुत ही शार्प है आज आपके दिन का।
जो व्यक्ति शेयर का काम करते हैं, जो व्यक्ति सट्टा का काम करते हैं, जो व्यक्ति लॉटरी में काम करते हैं, उनके भी समय बहुत अच्छा है। लेकिन बुद्धि का काम इसमें भी आपको पड़ेगा, यानी बुद्धि से काम लेना होगा, सोच समझ के करें, काफी फायदा होगा। कर्म का क्षेत्र बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छा है, स्त्री पक्ष से काफी लाभ मिलेंगे आपको। सब कुछ होने के बाद भी भौतिक सुख आपको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि काम का टेंशन इतना रहेगा कि भौतिक सुख के अभाव रहेंगे आपको। दिन आपका शानदार है, आज के दिन आप कोई भी काम की शुरुआत दही खा के करें, काफी लाभ होगा। दिन आपका शुभ हो। वृश्चिक राशि चंद्रमा अष्टम में बैठे हुए हैं आद्रा नक्षत्र में, जो 11:14 रात तक रहेंगे, और आद्रा नक्षत्र के स्वामी राहु सप्तम में बैठे हुए हैं। तो जो आदमी पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं वृश्चिक राशि वाले, वो काफी संभल के व्यापार करें। पार्टनर से नुकसान, पार्टनर से छल, पार्टनर से कपट होने की संभावनाएं प्रबल रहेंगी आज के दिन। राहु भी चंद्रमा के ही नक्षत्र में है, और चंद्रमा आपके भाग भाव के स्वामी हैं, तो भाग भी आज आपका साथ नहीं देगा, क्योंकि भाग भाव के स्वामी चंद्रमा अष्टम में बैठे हुए हैं। कुल मिलाकर जो व्यक्ति व्यापार करते हैं पार्टनरशिप में, पूरी सावधानी रखें, मन तो बेचैन रहेगा ही आज आपका। नदी तालाब में नहाने ना जाएं, पराक्रम आपका बढ़ा हुआ रहेगा, किसी से बदला लेने की प्रवृत्ति आज आपकी रहेगी, तो संयम रखें आज के दिन आप। कर्म क्षेत्र में उन्नति होने की संभावनाएं हैं, लेकिन केवल मेहनत से, क्या है कि न भाग्य साथ देगा न आपके पार्टनर साथ देंगे। जो व्यक्ति संचार में काम करते हैं, जो व्यक्ति पत्रकार हैं, जो व्यक्ति मीडिया से काम करते हैं, उनके लिए दिन अच्छा है, उनको काफी लाभ होगा। आज के दिन आप राहु के मंत्रों का जाप करें। ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह रावे नमः, ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह रावे नमः, काफी लाभ होगा, दिन आपका शुभ हो। धनु राशि, दिन आज आपका बहुत ही शानदार है, चंद्रमा सप्तम स्थान में बैठे हुए हैं बुध के साथ, बुद्धि काफी एकदम प्रखर रहेगी आपकी। लेकिन राहु के नक्षत्र में चंद्रमा है, राहु आपके छठे स्थान में बैठे हुए हैं, बहुत ही बुद्धि के बल से काफी पैसे का लेन देन आज के दिन आप करेंगे। बैंक से भी आपको काफी मदद मिलेगी, दोस्तों से भी काफी लोन वगैरह मिलने का संभावना है। लेकिन जो व्यक्ति जमीन जायदाद के काम करते हैं, आज के दिन कोई भी एग्रीमेंट करने के पहले 1000 कागज को देख लें, अपने वकील से दिखलवा लें, नहीं तो धोखा होने की संभावनाएं हैं। बृहस्पति आपके भाग भाव को बढ़ा रहे हैं, बृहस्पति भी राहु के नक्षत्र में है, छोटे भाई बहन की तबीयत खराब हो सकती है आपकी, उस ओर ध्यान दें। पिता की स्थिति अच्छी है, माता की भी स्थिति अच्छी है, और आपकी भी स्थिति अच्छी है, दिन आज आपके लिए अच्छा ही है। आज के दिन आप बुध के मंत्रों का जाप जरूर करें, क्योंकि बुध पार्टनरशिप हाउस में बैठे हुए हैं, बुद्धि को बहुत प्रखर कर रहे हैं, लग्न को भी देख रहे हैं। बुध आपकी कुंडली में कर्म भाव के भी स्वामी हैं, तो स्कूल का धंधा करने वाले, स्टेशनरी का धंधा करने वाले, लंबे लंबे व्यापार करने वाले, पत्रकार लिखने वाले, पढ़ाई लिखाई के काम करने वाले, कोचिंग सेंटर चलाने वाले के लिए दिन बहुत ही अच्छा है। तो बुध के मंत्रों का जाप कर लें, बुध, चाहे गणेश जी के 108 नाम का जाप करें आप, बुध का मंत्र है ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सा बुद्धाय नमः, गणेश जी का 108 मंत्र का जाप आपके लिए काफी लाभदायक होगा, दिन आपका शुभ हो। मकर राशि वाले, चंद्रमा आपके छठे स्थान में बैठे हुए हैं राहु के नक्षत्र में, कर्ज वगैरह लेने की काफी सोचेंगे आप। चंद्रमा आपके व्यापार हाउस के स्वामी है, पार्टनरशिप हाउस के स्वामी है, पार्टनर से काफी तनाव रहेगा, पार्टनर से काफी अनबन हो सकते हैं आपको, पार्टनर से आपको छल कपट मिल सकता है, चाहे आप भी पार्टनर से छल कपट कर सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान दें पार्टनरशिप हाउस पे, थोड़ा ध्यान दें। अगर महिला पार्टनर है तो विशेष ध्यान दें, परंतु बैंक से कर्ज वगैरह लेने की संभावनाएं प्रबल है। दोस्त कुछ मदद कर सकते हैं कर्ज में, तो दिन तो आपका साधारण ही है। संतान पक्ष से काफी आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है,
संतान पक्ष के स्वास्थ्य पर भी परेशानी आ सकती है। पैतृक संपत्ति से लाभ होने की संभावना है आपको। शनि की सारे साथी आपको चल रही है, शनि भी चंद्रमा के ही नक्षत्र में है, तो काफी परेशानी होगी, मन भी काफी शांत रहेगा, लोग से बदला लेने की भावना बहुत प्रबल रहेगी, बहुत लोगों के लिए आपके दिल में नफरत की भावना पैदा होगी। प्रभु के शरण में जाए, सब कुछ ठीक होगा। बदला लेने की सोचना बंद कर दें, लाभ ही लाभ होगा। आज के दिन आप बुध के मंत्रों का जाप करें या गणेश जी के 108 नामों को जाप करें, शनि के मंत्रों का जाप करें, हनुमान चालीसा पढ़ें, काफी लाभ होगा, दिन आपका शुभ हो। कुंभ राशि वाले चंद्रमा पंचम में बैठे हुए हैं राहु के नक्षत्र में, दिन बहुत ही शानदार है, हर तरफ से लाभ होगा, परंतु केवल माता के स्वास्थ्य में परेशानी हो सकती है, आपका ट्रांसफर पोस्टिंग भी हो सकता है। लाभ ही लाभ है, आपके मन के हर मुराद पूरे होंगे, संतान पक्ष से भी बहुत अच्छे समाचार सुनने को मिल सकते हैं, शत्रु आपसे पूर्ण पराजित होगा, लेकिन विशेषकर वैसे शत्रु जो आपके मित्र हैं लेकिन अंदर से शत्रुता निभाते हैं, उनसे थोड़ा सावधान रहें। शत्रु की पहचान तो करें आप। बृहस्पति देव लग्न में बैठे हुए हैं, भाग भाव बहुत प्रबल है आपका, भाग भाव पर दृष्टि है, संतान भाव बहुत प्रबल है, संतान भाव पर दृष्टि है, पार्टनरशिप हाउस बहुत प्रबल है, उन पर भी दृष्टि है। बृहस्पति राहु के ही नक्षत्र में है तो माता के स्वास्थ्य से परेशानी हो सकती है, लेकिन बृहस्पति राहु के नक्षत्र में है तो माता के स्वास्थ्य को भी ठीक कर सकते हैं, बृहस्पति तो देव ही है। तो दिन आपका शानदार है, इस शानदार दिन का फायदा उठावें, बृहस्पति के मंत्रों का जाप करें, बुध के मंत्रों का जाप करें या गणेश जी के 108 नामों का जाप करें, आपके लिए लाभ ही लाभ होगा, दिन आपका शुभ हो। मीन राशि चतुर्थ भाव में चंद्रमा बैठे हुए हैं और चंद्रमा राहु के नक्षत्र में है, आज के दिन यात्रा करना आपको बहुत भारी पड़ेगा। आज के दिन कोई भी यात्रा ना करें, हर यात्रा से अपने आप को दूर रखें। माता के स्वास्थ्य कुछ खराब होने की संभावनाएं आपकी बनती हैं। जो व्यक्ति हृदय रोगी हैं, थोड़ा संयम रखें। सूर्य आपकी कुंडली में, हालांकि आपके सूर्य आपकी कुंडली में, आपकी कुंडली में पुनर्वसु राहु बृहस्पति के नक्षत्र में है, बृहस्पति 12वें में बैठे हुए हैं, बृहस्पति भी राहु के नक्षत्र में है, तो जो व्यक्ति संचार माध्यम से काम करते हैं, जो व्यक्ति मीडिया में काम करते हैं, जो व्यक्ति दूर प्रदेश में काम करते हैं, उनके लिए समय बहुत ही शानदार है। जो व्यक्ति दवा का काम करते हैं, जो व्यक्ति जमीन का काम करते हैं, जो व्यक्ति कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, जो व्यक्ति फ्लैट बेचने का काम करते हैं, उनके लिए भी समय बहुत ही शानदार है और लाभ ही लाभ होगा। उनको मंगल के मंत्रों का जाप करना चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। अगर आप मंगल के मंत्रों का जाप करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और बृहस्पति के भी मंत्रों का जाप करते हैं या विष्णु देव के मंत्रों का जाप करते हैं, विष्णु सहस्त्रनाम करते हैं, लेकिन विष्णु सहस्त्रनाम काफी लंबा है तो नहीं करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का अगर जाप करते हैं तो दिन बहुत ही शानदार होगा। फिर भी यात्रा करना पूर्ण वर्जित है। आज का राशिफल इतना ही। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप पर लिखें, सब्सक्राइब करना न भूलें। और आपसे एक अनुरोध है कि राशिफल में पूरी राशि को देखें आप, केवल अपनी राशि को देख के छोड़ देना उचित नहीं है। अगला राशि हो सकता है आपकी पत्नी की हो सकता है आपके भाई की हो, आपके पिता की हो, आपके बच्चे की हो, सभी राशि को देखें। नमस्कार।